सलमान खान की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ काफी विवादों भरी रही है। सलमान खान बॉलीवुड के बदनाम अभिनेताओं में से एक है, लेकिन बावजूद इसके इनकी चाहने वालों की संख्या करोड़ों में आंकी जाती है। सलमान खान बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के रूप में आज भी काफी ज्यादा प्रचलित है। अपने 30 साल से ज्यादा लंबे फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब सलमान खान भले ही काफी विवादित अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन इनके दरिया दिली वाले किस्से भी किसी से छुपे नहीं है। सलमान खान दरिया दिल इंसान है और हमेशा से ही वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आते ही रहते हैं, और लॉकडाउन में भी भाईजान सलमान खान ने लोगों की काफी मदद भी की थी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब सलमान खान की दरिया दिली वाली रहमत को लेकर काफी ज्यादा विवाद गहराया था। सलमान खान यूं तो एक दरिया दिल इंसान है, लेकिन उस समय आखिर सलमान खान ने क्या सोचा कि उन्होंने एक अपाहिज बच्ची की इच्छा को पूरा नहीं किया था। पूरे घटना का जिक्र करें तो बताया जाता है कि एक अपाहिज बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, और उस बच्ची की ये दिली ख्वाहिश थी कि इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टारों से सिर्फ और सिर्फ हेलो सुनना चाहती थी, और ये दोनों सुपरस्टार थे भाईजान सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती। इस अपाहिज बच्ची की जान पहचान बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान से थी, और सरोज खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के हर एक कलाकार से वाकिफ थी। ऐसे में सरोज खान ने उस बच्ची की दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सबसे पहले भाईजान सलमान खान से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सलमान खान ने उस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बताया जाता है कि उस दौरान रवि नाम का एक बंदा असिस्टेंट के रूप में सरोज खान के पास भी काम कर चुका था, और उस दौरान वो भाईजान सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहा था। ऐसे में सरोज खान ने जब रवि को फोन मिलाया और कहा कि मुझे सलमान से बातचीत करवा दो, तो रवि ने सलमान खान से पूछा कि फोन पे सरोज खान है। ऐसे में भाईजान सलमान खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा, और इस बात का खुलासा खुद सरोज खान ने भी किया था। तो वहीं दूसरी ओर सरोज खान ने इस बात को भी लेकर दावा किया था कि उस बच्ची की दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सलमान खान भले ही पीछे हट गया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से रिस्पॉन्ड आया और उन्होंने उस बच्ची को फोन पर हेलो कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जब कभी भी मुंबई आएंगी तो उनसे वो जरूर मिलेंगे। आहिज है वो मुझे फोन करके बोली थी, मास्टर जी मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ सलमान मुझे फोन पे हेलो बोले और एक मिथुन दादा को, ये दो ही मेरे आइडल हैं। मिथुन दादा ने रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन सलमान की तरफ से रिस्पॉन्ड। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि भाईजान सलमान खान एक अपाहिज बच्ची की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ही दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती उस अपाहिज बच्ची को हेलो बोलते हैं, साथ ही उसे अपने साथ मिलने का न्योता भी दे देते हैं। हालांकि इस पर कई लोगों का कहना है कि भाईजान सलमान खान उस समय काफी ज्यादा बिजी हो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए हो। तो कई लोगों का कहना है कि जब स्टारडम सबसे ऊपर उठ जाता है तो आदमी ऐसे ही हरकतें करने लगता है। इसी के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती की उस दौरान काफी तारीफें भी हुई थी। सरोज खान ने इस बात को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। वेल दोस्तों जैसा मर्जी हो, लेकिन सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती आज अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे पहले आए थे। अपने खराब लुक्स की वजह से इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, लेकिन इन्होंने मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ा, और यही बड़ी वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती एक समय बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के रूप में काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं, जिनकी फिल्मों के आगे बड़े से बड़े सुपरस्टार एक समय फीका नजर आता था। मिथुन चक्रवर्ती के खराब लुक्स को लेकर उस समय के कई बड़े सुपरस्टारों ने यहां तक कह दिया था कि अगर ये फिल्म का हीरो गया तो वो फिल्में करना छोड़ देंगे, और ये बातें मिथुन चक्रवर्ती के दिल को तोड़ गई थी। ऐसे में उन्होंने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि उन्हीं लोगों के सामने आज वो एक बड़े सुपरस्टार के रूप में आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। इसके साथ ही भाईजान सलमान खान की बात करें तो सलमान खान का स्टारडम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भले उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हो, लेकिन उनकी फ्लॉप फिल्मों का कलेक्शन भी करीब 150 से 200 करोड़ रुपए पार चला जाता है। सलमान खान अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर हैं, और हमेशा से ही अपने दरिया दिली वाले किस्से को भी लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने रहते हैं। आने वाले समय में भाईजान सलमान खान कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनमें टाइगर 3 और किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है।